आप सबों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं एंट्रीज अकॉर्डिंग सीसीसी, मतलब कि सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग एंट्री किस प्रकार से होते हैं। कैटलॉगिंग एंट्री अकॉर्डिंग सीसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। और इस कोड की रचना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1934 में की थी। काफ़ी पॉपुलर कैटलॉगिंग कोड है और यह क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है। इसमें सिर्फ वर्गीकृत नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल एंट्री भी होता है। तो इसमें किस प्रकार से एंट्री होता है, हम लोग अगर एंट्री को देखते हैं अकॉर्डिंग सीसीसी, तो एंट्री जो होता है इसके एंट्री को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, मेन एंट्री और दूसरा जो होता है एडेड एंट्री। मेन एंट्री और दूसरा जो होता है एडेड एंट्री। तो सीसीसी में दो एंट्री होता है, मेन एंट्री और दूसरा होता है एडेड एंट्री। मेन एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें मुख्य जितनी भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यानी ग्रंथ परक विवरण, किसी भी प्रलेख, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पुस्तक से संबंधित जितना भी मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रदान की जाती है मेन एंट्री में। और मेन एंट्री जो है यह समान अभिगम पाठकों के जनरल अप्रोच को यह की पूर्ति करता है, यानी उसकी जो जनरल अप्रोचेज हैं जिससे वो पाठक जो है लाइब्रेरी में पुस्तक खोजने आता है, प्रलेख खोजने आता है, उसकी पूर्ति करता है। सीसीसी का जो मेन एंट्री है या कोई भी मेन एंट्री, ACR2 की भी जो मेन एंट्री होती है उसमें मुख्य यानी इम्पोर्टेंट जो भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हैं वह प्रदान किया जाता है। और एक सामान्य पाठक के लिए वह काफ़ी उपयोगी होता है, सामान्य पाठकों के सामान्य अभिगम के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। वहीं एडेड एंट्री में जो सूचना मेन एंट्री में यानी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो प्रदान की जाती है उसका विशिष्टीकरण किया जाता है। विशिष्टीकरण का अर्थ होता है कि कोई पाठक अगर पुस्तकालय में स्पेशल अप्रोच लेके आता है, जैसे कि जनरल अप्रोच में हम कहते हैं कि कोई भी पाठक आ रहा है उसको कुछ भी पता हो, थोड़ी बहुत भी पता हो, वो उस प्रलेख तक पहुंच जाए, तो उसमें सारी सूचनाएं लेखक हो चाहे जो टाइटल हो, इस तरह की मेन सूचनाएं होती है। लेकिन जो एडेड एंट्री होता है वो विशिष्टीकरण होता है उसी सूचनाओं का। जैसे सब्जेक्ट एंट्री अगर है तो वहाँ पर सब्जेक्ट, तो एडेड एंट्री जो है अगर कोई पाठक क्लास से खोजने आ रहा है, वर्ग से खोजने आ रहा है तो वहाँ तक पहुँच पाए, टाइटल से आ रहा है तो वहाँ तक पहुँच पाए, इसीलिए एडेड एंट्री होता है। और एडेड एंट्री जितनी भी एडेड एंट्री बनाई जाती है उन सभी एडेड एंट्री की मेन एंट्री में ट्रेसिंग की जाती है, ताकि कर्मचारियों को, पुस्तकालय कर्मचारियों को यह पता हो सके कि किस मेन एंट्री की कितनी एडेड एंट्री बनाई गई है। मेन एंट्री का निर्माण पाठकों के सामान्य अभिगम के लिए होता है, जबकि एडेड एंट्री का निर्माण पाठकों के विशिष्ट अभिगम को संतुष्ट करने के लिए होता है। वहीं ट्रेसिंग जो का निर्माण किया जाता है वह कर्मचारियों के लिए होता है, कि कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि किसी मेन एंट्री के कितनी एडेड एंट्री बनाई गई है। तो मेन एंट्री और एडेड एंट्री को पुनः जो है सीसीसी में आप चार भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है सी आर ई, ये CRE जो होता है, CRE यह जो है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री भी कहते हैं।
सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री भी कहा जाता है। सीआरई इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, और इसको सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री भी कहा जाता है। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी कहा जाता है, फुल फॉर्म में क्रॉस रेफरेंस एंट्री। दूसरा जो होता है वह होता है सीआईई, सीआईई इसका जो नाम होता है फुल फॉर्म क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री। सब्जेक्ट ये सीआरई जो है ये सब्जेक्ट को दर्शाता है, सब्जेक्ट से संबंधित होता है, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री होता है। जबकि क्लास इंडेक्स एंट्री इसका फुल फॉर्म होता है क्लास इंडेक्स एंट्री, और यह जो है वर्ग को, क्लास को, पुस्तक प्रलेख के विषय को, वर्ग को दर्शाता है क्लास इंडेक्स एंट्री। इसके बाद होता है बुक इंडेक्स एंट्री, बी आई ई बुक इंडेक्स एंट्री, इसको बुक इंडेक्स एंट्री कहा जाता है, बुक इंडेक्स एंट्री कहा जाता है, बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। और चौथा जो होता है सी आर आई ई, इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री इसका फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो ये एडेड एंट्री चार तरह के होते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। पुनः जो है बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं। इसको अगर हम लोग विभाजित करने का प्रयास करें तो बुक इंडेक्स एंट्री चार तरह का होता है। एक जो होता है ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री। दूसरा होता है कोलाबरेटर, कोलाबरेटर, कोलाबरेटर बुक इंडेक्स एंट्री, कोलाबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री। और तीसरा होता है टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री, और चौथा जो होता है वह होता है सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। तो बुक इंडेक्स एंट्री को पुनः चार भागों में हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, कोलाबरेटर बुक इंडेक्स एंट्री और टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री, और चौथा जो है सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। वहीं सीआरआई को मुख्य पांच भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। उसके बाद स्यूडोनिम, स्यूडोनिम दूसरा जो होता है स्यूडोनिम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इसके बाद तीसरा जो होता है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। तीसरा जो होता है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री,
और चौथा होता है एडिटर और सीरीज एंट्री। चौथा जो होता है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। एक चीज का ध्यान में रखना है कि एडिटर की जो एंट्री होती है वो बुक इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आता है। जो प्लेन एडिटर की एंट्री जो होती है, जो सामान्य जो एडिटर है, उसकी एंट्री बुक इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन एडिटर ऑफ सीरीज, किसी सीरीज की, किसी पुस्तक की कोई सीरीज को अगर किसी ने एडिट किया है तो एडिटर की एंट्री क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आएगा। तो एडिटर ऑफ सीरीज क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और पांचवा जो होता है वह होता है जेनेरिक नेम एंट्री। पांचवा जो होता है जेनेरिक नेम एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इसमें से जो नाम का जो वेरिएंट होता है, स्यूडोनिम मतलब छद्म नामधारी, इन सारी चीजों की एंट्री, चाहे एडिटर ऑफ सीरीज की एंट्री, वो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आता है। और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मेन एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ये दोनों जो होता है नंबर एंट्री होता है, ये दोनों नंबर एंट्री होता है। और इसके अलावा जो क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये जो होता है यह वर्ड एंट्री होता है। तो भले ही यह क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है, लेकिन सिर्फ नंबर एंट्री नहीं होता है बल्कि वर्ड एंट्री होता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होता है नंबर एग्जाम में कि नंबर एंट्री, चूंकि वर्ग का यहां पर क्लास, लेकिन यहां पर नहीं, क्लास इंडेक्स एंट्री नंबर नहीं वर्ड एंट्री होता है, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो क्लास नंबर दिया गया है उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है क्लास इंडेक्स एंट्री। तो मेन एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ये जो है सीआरई, मेन एंट्री और सीआरई, ये दोनों नंबर एंट्री है और बाकी जो एंट्री है क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये जो है यह कौन सी एंट्री है, यह एंट्री है वर्ड एंट्री है। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर है एंट्री का सीसीसी के कैटलॉग, जो एंट्री होता है अकॉर्डिंग सीसीसी एंट्रीज जो होता है, यह इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप समझ गए होंगे कि किस किस चीज को कहां कहां लिखा जाता है। मेन एंट्री में बुक से संबंधित सारी महत्वपूर्ण डिटेल को यहां प्रदान किया जाता है। एडेड एंट्री में, जब क्रॉस रेफरेंस एंट्री में किसी सब्जेक्ट के स्पेशल उसको रेफरेंस दर्शाने के लिए क्रॉस रेफरेंस सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री भी कहा जाता है। वहीं क्लास इंडेक्स एंट्री में वर्ग क्लास लिखा जाता है, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, और ये जो वर्ड होता है वो वर्ड फॉर्मेट में होता है, जबकि क्रॉस रेफरेंस एंट्री में नंबर वो एंट्री होती है। बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर कोलैबोरेटर, ऑथर मतलब जो लेखक है, और कोलैबोरेटर मतलब जो सेकंड रिस्पॉन्सिबल है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पुस्तक को लिखने में किसी लेखक की होती है, वह सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां तक बात हो तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन व्यक्ति की होती है, जैसे एडिटर है, ट्रांसलेटर है, कोलैबोरेटर के अंतर्गत सब आ जाता है, एडिटर है, ट्रांसलेटर है, इलस्ट्रेटर है, इस तरह के जो है सारे सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कोलैबोरेटर है, जो कि कोलैबोरेट करते हैं। टाइटल भी बुक इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आता है और सीरीज एंट्री भी बुक इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आता है। वहीं पर क्रॉस रेफरेंस एंट्री की बात अगर करें, जिसमें अल्टरनेटिव नेम का हो, स्यूडोनेम आते हैं, वेरिएंट फॉर्मेट ऑफ वर्ड एंट्री, चाहे एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री
और जेनरिक नेम जो होता है उसकी एंट्री सीआरई के तहत की जाती है। तो इस तरह से दो जो एंट्री, मेन एंट्री और सीआरई, न्यूमेरिक एंट्री होता है, और बाकी जो क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और सीआरआईई, ये वर्ड एंट्री होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास इस सीरीज की होगी सीसीसी से संबंधित, वह होगा कैटलॉग कार्ड मेन एंट्री के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री अकॉर्डिंग सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।